अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आका भाई चैनल पर रिएक्शंस करता है बहुत कमाल के। तो आजकल आपको पता है एक सीरीज़ मैं चला रहा हूं जिसके ऊपर इंडियन मूवीज़ के जो ट्रेलर्स हैं उनके ऊपर रिएक्शन कर रहा हूं। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं, जिस ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं, ये है धाकड़ है और ये कंगना रनावत की मूवी कोई आ रही है 20 मई को। तो ये उनका ट्रेलर है। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए हमारे इसको सुनते हैं। और मुझे अभी ये धाकड़ या धाकड़ जो भी है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ये धाकड़ है कि ये धाकड़ है। चलें पहले इस ट्रेलर को देखते हैं और फिर इसके बाद करेंगे बातें, इसके ऊपर तबसरा करेंगे बड़ा कमाल का। ये मूवी कैसी है और कंगना रनावत की मूवियाँ मैंने वैसे देखी नहीं, बहुत कम देखी होंगी। तो चलें फिर आज उनका ट्रेलर देख लेते हैं हम कि ट्रेलर में क्या होता है। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। रुद्रवीर 10 साल पहले गल्फ में ऑलमोस्ट हमारे हाथ आ गया था, तब से गायब है। ये कौन है? ज़मीना ना मारे, खाना ना मारे, कोई लो भी हमारे बाप का। भैया कौन? इस सांप का सर को चलने का टाइम तो आ गया। ड्रैगनफ्लाई, टाइम फॉर एक्शन। भाई काफी पैसा खर्च किया लग रहा है। कॉपी दैट रिंग मास्टर, ओवर नाउ। कुछ सीक्रेट एजेंट्स लग रहे हैं। रोहिणी और शेख दोनों ही बिल की बात कर रहे हैं। इसे अपना पिछवाड़ा में डाल दो। Where is रुद्रवीर? Where is he? भैया कैसे चल रहा है? शेर की मान में घुस हो गए तो हाथ मौत ही आवेगी। दिस समर जिस्म से अलग करना बिजनेस है मेरा। अलग कर देना बिजनेस है। गंदा है, गंदा है। ओ भाई ये क्या है? और कौन है ये ऐसे बोल रहा है? With the wrong girl, bro. धाकड़ है शायद, धाकड़। हाँ, 20 मई को ही आ रही है 2022। अच्छा जी, तो ये हमारा रिएक्शन था और इस मूवी का आई थिंक नाम धाकड़ है। काफ़ी फाइटिंग लग रही है और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे अंडर कवर एजेंट है। कभी मुझे ऐसा फील आया कि जैसे मतलब कि जो कढ़ाई के कातिल होते हैं, मतलब कि किसी को पैसे दे के, स्पाड़ी दे के तो किसी को मरवाते हैं, इस तरह कोई दहशत गर्द उसको ढूंढ रहे हैं, मतलब कि जो कोई टेररिस्ट है जिसको ढूंढ रही है कंगना रनावत और वो सीक्रेट एजेंट्स हैं। तो चलें, ये हमारा रिएक्शन था इस वीडियो के ऊपर और इसको इसकी जो रियल स्टोरी है वो तो देखने से ही पता चलेगी और मेरे ख्याल से देखने से ताल्लुक रखती है फिल्म। मुझे काफ़ी हाई फाई बजटेड मूवी लग रही है। तो चलिए, ये हमारा आज का रिएक्शन था। आपको रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये चेहरा पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे रिएक्शन अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।